हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एकेडमी एनीवेयर में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे कि उत्तर प्रदेश अभी जो पैट का एग्जाम होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश भी काफ़ी ब्रॉड में है। किससे क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट उसको हम देखेंगे एक वीडियो में, जो जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, और इससे शायद आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो इस तरह के जो होते हैं टॉपिक, उसको आप लोग ध्यान से देखा करिए। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्यों में से कुछ है, जैसे विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 100 होती है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, वो 80 होती है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 31। विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, 100, 80, 31, ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है, तो ये है प्रयागराज, 12 सीटें हैं। पूछ सकता है कि सर्वाधिक विधानसभा वाला सीट जो है वो कौन सा है, उसमें कितनी सीटें हैं, तो प्रयागराज हो गया और 12 सीटें हैं। और सबसे पहले सबसे बड़े मंडल कौन सा, कानपुर और लखनऊ मंडल सबसे बड़ा मंडल होता है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने मंडल हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, कितने मंडल हैं, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर नहीं होता है तो ढूंढ के बताइएगा जरूर। सबसे छोटा, जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आता होगा आपको तो जरूर आप बताओगे कि कितने मंडल होते हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे छोटा मंडल कौन सा है, सहारनपुर। अभी जो यूपी ट्रिपल एससी का अभी जूनियर स्टैंड का एग्ज़ाम हुआ था और उस पर इंटरव्यू हुआ था, उसमें ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन पूछे थे और एग्ज़ाम में भी आए हुए थे। और जो मंडल में बोल रहा हूँ कि अब मंडल बताना, ये भी पूछा गया था। उत्तर प्रदेश, आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कौन सा है, वो है बरेली। फिर आगे चलते हैं, आगे है, राज्य में अभी तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ये याद रखना। कितनी बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है, ये 10 बार लगाया जा चुका है। प्रमुख मुख्यमंत्री कौन है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो यह है गोविंद वल्लभ पंत। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, सुचेता कृपलानी है, ये आप लोग जानते होंगे। प्रथम राज्यपाल कौन है, पहली महिला राज्यपाल हैं, ये हैं सरोजिनी नायडू। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन सी रही हैं अभी तक, वो रही हैं मायावती जी। और वर्तमान राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये हैं गोविंद माथुर। फिर उसके बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, वो हैं मनोज कुमार, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये हैं मनोज कुमार। वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये हैं गोविंद माथुर। फिर उसके बाद चलते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार हो गए। और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष संजय श्रीनेत हैं। तो उसके बाद देखते हैं, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यह न्यायमूर्ति वीके नारायण। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं एग्जाम में। आपका जो एग्ज़ाम है यूपी ट्रिपल एससी पेट का, उसके लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट है, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब पॉइंट। और ये उसके लिए क्या, कोई भी एग्ज़ाम होगा आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम है तो उत्तर प्रदेश क्वेश्चन आने हैं। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स हम करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होगा। इसको आप लोग देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।